ओके, मीटिंग लाइव हो चुकी है। आप में से जो रिवाइज करवाना चाहते हैं, क्या वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे या फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं और हम स्टार्ट करें? गिव मी अ मिनट। अब मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं म्यूट थी। तो आई वाज सेइंग कि हम लोग जब स्टार्ट करने लगे, इससे पहले आप लोग बताएं मुझे कि पाइथन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंशिएट करती है। हम लोग पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इसके ऐसे जाहिर है कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे एज कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कौन बताना चाहेगा आप में से कोई? जी क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है मैम। अंडरस्टैंड जी। फरहान, आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे। मैम ये बाकी लैंग्वेज इसलिए डिफरेंट है मैम की क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है मैम। बाकी कंपाइलर होते हैं ये इंटरप्रेटर है। हाँ जी। अच्छा, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज और कंपाइलर वाली लैंग्वेज में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, क्या वर्किंग का डिफरेंस होता है? मैम जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन इसको मतलब मैम एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर पूरा मतलब एग्जीक्यूट करता है। पूरा पहले उसको रन करता है, रीड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। और इसीलिए इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज स्लो होती है लेकिन कंपाइलर वाली लैंग्वेज फास्ट होती है। पर अगर कोड बहुत लंबा है तो फिर इंटरप्रेटर लैंग्वेज अच्छी होती है, बिकॉज उसमें एरर आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। जहाँ पे एरर है वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है, बिल्कुल इंग्लिश के जैसा। आप लोग जब इसका सिंटेक्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा इंग्लिश में आपको कमांड्स दी हुई है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड, साफ पता चल रहा है कि आपने कुछ प्रिंट करना है। अच्छा, तो इसका सिंटेक्स हम लोगों ने देखा था एक्चुअली के प्रिंट सिंटेक्स होता है, प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। और इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है कि प्रिंट फंक्शन यूज करने के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखना है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड, हम इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी, जैसे हमने यहाँ लिखा था। हम इसको जल्दी जल्दी से लेकर चलते हैं क्योंकि आज हमने रिवीजन ही करनी है। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है उनको अगर किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ लें, अपना माइक अनम्यूट करें और बस पूछ लें। जहां पे भी आपको समझ ना आए आप लोगों ने मुझे रोक के पूछ लें। इसके बाद हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं। अच्छा, कमेंट्स के बारे में कोई मुझे बताए जल्दी जल्दी कि कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक्स्ट्रा लाइन हमने लिखने के लिए कोड में ताकि हमें कोड समझ आए। हाँ जी, कोड समझ जाए, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर दे, एग्जीक्यूट ना करे। और अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान कुछ कोड को हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाना, वो प्रिवेंट करने के लिए।
दो तरह के कमेंट्स हमने देखे थे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है। हेड साइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को, और इसमें एक ही लाइन कमेंट हो सकती है, और ट्रिपल कोट से हम लोग इंडिकेट करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को। और इसके अलावा कमेंट्स में किसी का किसी ने कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है? आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने देखी थी, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में और मल्टी लाइन कमिट में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या यूज है? मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करते हैं, अच्छा, और इसमें हम डबल कोट्स यूज करते हैं सिंगल लाइन। अच्छा, आप इसके अलावा कोई और बताना चाहें? अच्छा, मैं ये जल्दी से आपको डिफरेंस बताती हूँ, फिर इसके बाद सर अय्याज कंटिन्यू करते हैं। सर अय्याज ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो देखिए मल्टी से अभी फिलहाल क्या यहाँ पर है, मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ। देखिए आपके पास जो प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो चुका है, ये जो हमने कमिट किया हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इंटरप्रेटर ने उसको इग्नोर कर दिया है। अब ये जो आपने कहा कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, उसका डिफरेंस नहीं है, हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स में भी सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। ये मैंने सिंगल कोट से मल्टी लाइन कमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही चीज जो हमने जिस जो सिंटेक्स यूज किया है सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट के लिए, इसको हम किसी वेरिएबल में रख दें या फिर इसको डायरेक्ट हम प्रिंट कर लें, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं, बिल्कुल देखें, इसीलिए कहते हैं कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है जिसको हम अगर वेरिएबल में यूज ना करें या फिर उसको हम डायरेक्ट प्रिंट ना करवाएं तो वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। अब इसको मैंने एक ए वेरिएबल में मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे दी, अगर हम प्रिंट करवाना चाहें ए तो भी हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं या जिस तरह से आगे मूव करना है वो आप सर जा सकते। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। असल में राइट एट 7 o'clock लाइट चली गई थी तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, कोई इशू नहीं, इसलिए मैं लेट। वाओ, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, आज का जो वैसे हमारा सेशन था उसमें जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा आज का जो हमारा सेशन था वैसे हमने प्लान ये किया था कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यानी जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें से अगर आप लोग उससे गो थ्रू होना चाहते हैं और अगर आप में से कोई आके प्रेजेंट करना चाहता है या फिर किसी भी चीज को कोई एक्सप्लेन करना चाहता है ना, तो हम वैसे ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बट ये जरूरी नहीं है, बट अगर विलिंगली कोई आप में से कोई पार्टिसिपेंट आके कोई चीज प्रेजेंट करना चाहता है या जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता है या बाकी लोगों को जो है ना वो रिवाइज करवाना चाहता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ चीजों से जो है वो खुद गो थ्रू हो जाऊंगा। तो आप बता सकते हैं इसको हमने कैसे फिर स्टार्ट करें, कोई आप में से कुछ कोई प्रेजेंट करना चाहता है इधर या बाकी लोगों को रिवाइज करवाना चाहता है जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें से? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसका आज फर्स्ट डे हो, जिसने फर्स्ट टाइम जो है ना वो? ओके, हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेस किया, जिनकी फर्स्ट क्लास है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, हम कुछ चीज़ों से गो थ्रू होते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने थैंक्स टू मैम अनम एंड मैम हिजाब, हमने काफ़ी हेल्प की और कुछ चीज़ें ये हमने ऐड की थी, बट चूंकि ये अभी हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल,
और जो कुछ पढ़ा हुआ है ना हम वहां पे चले जाते हैं, ठीक है, और उससे हम गोथ्रू होने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आ जाती है ना वो हमारे पास आ जाता है कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं बहुत क्विकली यहाँ से गोथ्रू होऊंगा, ठीक है। और अगर आप प्रॉपरली ये देखना चाहते हैं तो हमारे ये सारे सेशन जो है ना वो फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। 5 सेशन जो हैं जो लास्ट वीक में हमने लिए हैं क्लासेस वो मौजूद हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं आई कोड गुरु का जो फेसबुक पेज है, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा कि वीक 1 पाइथन के नाम से होगा, ठीक है, पाइथन वीक 1 डे 1, ठीक है, फिर वीक 1 डे 2 और इस तरीके से वीक 1 डे 5 तक का होगा, ठीक है। तो ये हमारा वीक 2 और जो है वो डे 1 है। ओके अच्छा, सर ये किसी स्टूडेंट का हैंड रेज है तो ये पूछ लें, क्या क्वेश्चन आपका? अच्छा अच्छा ओके, बिलाल रशीद जी आपका जो भी क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। नो सर, वो आपने पूछा था ना कि फर्स्ट क्लास है तो उसके लिए हैंड रेज। ओके 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 ओके, ठीक है। तो चले मैं बहुत क्विकली यहाँ से गो थ्रू होता हूँ। हमारे पास है ना डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इंटीजर हम यूज करते हैं, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हम यूज करते हैं और स्ट्रिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है ना बेसिकली जैसे ये हमारे पास 26 है, ठीक है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स, तो जैसे वेरिएबल्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वेरिएबल्स आर वैल्यूज दैट आर टेम्पररीली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 26 है तो 26 को सबसे पहले मैंने एक नाम देना है यानी एज, ठीक है। तो एज एक बेसिकली एक वेरिएबल है और 26 इसकी वैल्यू है, ठीक है। और जब मैं एज को प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये जो है ना वो 26 मिलेगा, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास है कि जैसे अब यहाँ पे आप देख लें कि 35.8 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेसिमल में आ गया है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। तो अब ये भी एक वैल्यू है और इसको मैंने वेरिएबल बनाया है यानी इसको मैंने नाम दे दिया है टेम्प का, ठीक है। तो मैं जब प्रिंट टेम्प करूंगा तो मुझे ये एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है, मुझे जो है ये वैल्यू मिलेगी 35.8। ओके, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दे दी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये काम करूं कि किसी भी इंटीजर को या किसी भी चीज को अगर मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 34, ठीक है, तो जब भी मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा ना तो ये मेरे पास स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। और आप स्ट्रिंग को किसी भी नंबर को डबल कोट के अंदर लिखते हैं तब भी वो स्ट्रिंग है, और अगर सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तब भी वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैंने डबल में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसको मैंने एक नाम दे दिया वेरिएबल, ठीक है, नेम से। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे ये 34 मिलेगा ना, प्रिंट 34, जब प्रिंट नेम करवाऊंगा मैं ना तो मुझे 34 मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है अयाज गोज टू स्कूल, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना जो मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ मेरे पास ना 2 डिफरेंट लाइन्स आनी चाहिए, यानी एक लाइन में एक चीज लिखी होनी चाहिए और नेक्स्ट लाइन में ना दूसरी चीज लिखी होनी चाहिए। तो अब उसके लिए ये होता है कि जैसे मैंने लिखा अयाज गोज टू स्कूल, ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि आई एम मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मैंने इनको जो इनक्लोज किया है वो मेरे पास क्या है, ये ट्रिपल कोट से, ठीक है। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं यानी एक लाइन आप लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर हो, एंड देन आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। और जब आप उसको ट्रिपल इंटीजर कोट के अंदर आप जब उसको इनक्लोज करते हैं और उसके बाद आप उसको नाम देते हैं नेम, ठीक है, यानी वेरिएबल बना दिया है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा कि वो 2 डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अयाज गोज टू स्कूल एंड आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर। अब अगर मैं एक और लाइन लिखना चाहूँ तो मैं इसी तरह से जो है वो इसको 3rd लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो इंटीजर स्ट्रिंग और जो भी आपने फ्लोट फ्लोट लिया है आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप उसकी नेचर को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज है तो एज हमारे पास ये 20 है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये 20 स्ट्रिंग है या फिर ये इंटीजर है या फिर ये क्या है ना, तो मैं ये काम करूंगा कि मैं प्रिंट लिखूंगा जैसे आप देख सकते हैं और टाइप एज,
ठीक है, तो जब आप टाइप एज करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको अब 20 नहीं मिलेगा बल्कि आपको मिलेगा स्ट्रिंग, यानी उसकी जो क्लास है, ठीक है, क्लास क्या हमारे पास स्ट्रिंग, str, स्ट्रिंग, ठीक है, ये शॉर्टकट इसको लिखा गया है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी क्लास है, तो हमें बता रहा है कि जो 20 है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से अगर आप एज को, ठीक है, ये और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना प्रिंट इन टू टाइप इन टू एज, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टाइप एज करेंगे तब ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टाइप टेम्प करते हैं, ठीक है, आपके पास देखे ना ये टेम्प हमने लिखा हुआ है 35.8 लिखा हुआ मैंने, ठीक है, तो जब आप इसको टेम्प करेंगे तो ये आपको देख लें यहाँ पे आपको फ्लोट मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर एक डेटा टाइप है और आपको नहीं पता कि कौन सी टाइप का डेटा है, ठीक है, तो जब आप उस टाइप और फिर वेरिएबल, यानी जो भी आपने उस डेटा टाइप को नाम दिया हुआ है, जैसे एज एक वेरिएबल है, ठीक है, तो आपको ना उस डेटा की नेचर का पता चल जाएगा कि वो किस क्लास में है, यानी वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, या वो फिर फ्लोट है, ठीक है। और फिर अच्छा, ये कुछ चीजें जो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ी नहीं हुई ना, ये हमने बाद में चीजें ऐड की हैं, तो इस वजह से मैं ये भी स्किप कर रहा हूँ, ये हम इन सब चीजों से गो थ्रू होंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ मैं उससे गो थ्रू हो रहा हूँ जस्ट, ठीक है। फिर हमने कुछ इसके अंदर ऑपरेटर्स पढ़े थे, यानी हमने ये पढ़ा था कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को, और मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह की चीजें। अब देखें जैसे यहाँ पे एडिशन है, तो आप जब दो चीजों को ऐड करते हैं, जैसे 10 और प्लस 3 है, आप इनको ऐड करते हैं तो आपको 13 मिलेगा, ठीक है, तो हम ये प्लस जो ये एडिशन ऑपरेटर है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो 10 है और जो 3 है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी इनका जो यहाँ पे आपको कोई डेसिमल पार्ट इनका नजर नहीं आ रहा ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 13 मिलेगा। बट अगर मैं ये काम कर दूं कि 10.0 लिख दूं, अच्छा मैथ्स में देखें ना तो 10.0 मींस 10 ही होता है ना, बट यहाँ पे पाइथन में जब आप 10.0 लिखते हैं तो इसको वो फ्लोट वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा है 10.0 और प्लस 3 लिखा है ना, अब यहाँ पे एक प्लस 3 जो है ये तो इंटीजर है, बट 10.0 जो है ये हमारे पास क्या, फ्लोटिंग वैल्यू, तो यहाँ पे जो एडिशन वो करेगा हमें क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर दोनों फ्लोट, यानी 10.0 और 3.0, तो अगेन आपको ना फ्लोट मिलेगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करवाएंगे तो आपको जो उसका प्रिंट करवाएंगे विद एडिशन ऑपरेटर, तो आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है वो बेसिकली इंटीजर मिलता है, बट उनमें से अगर एक या वो दोनों जो हैं, अगर वो उनका डेसिमल पार्ट भी हो या वो फ्लोट वैल्यूज हो, तो फिर आपको जो उनका एडिशन होगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको एक फ्लोट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जैसे ये है ना 10.0, तो 10.0, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये 10 ही होता है, ठीक है, मैथ्स में, बट यहाँ पे ये जो है ना इसको हम क्या कहेंगे, पाइथन की लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे फ्लोट, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, जब भी हमारे पास एक फ्लोट या हमारे पास दो फ्लोट होंगे, ठीक है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें फ्लोट मिलेगा, ठीक है। और यही काम होता है फिर सब्ट्रैक्शन में भी होता है, आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम यही रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स थे, यानी कि कोई वो डेसिमल पार्ट नहीं है, तो आपको इंटीजर मिला, और यहाँ पे देख लें 10.0-3, यानी एक जो है वो फ्लोट है, यहाँ पे दोनों फ्लोट हैं तो आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लें 3-10, तो ये आपको -7 देगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है जी, कि ये जो स्टेरिक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, यानी 10 * 3, तो एस्टरिस्क, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है 10 * 3, तो ये आपको 30, इसका जो आंसर होगा वो आपको 30 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से डिवीजन के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि डिवीजन दो तरह से होती है, एक होती है कि हमारे पास ये सिंगल स्लैश है, और एक डिवीजन होती है कि हमारे पास डबल स्लैश है। अब दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, अब देखें जब मैं 10 / 3 करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, जो भी इसकी वो वैल्यू है ना वो मिल रही है 3.333, ठीक है। बट अगर मैं ये काम करूं कि मैं सिंगल स्लैश की बजाय ये डबल स्लैश कर दूं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लोट डिवीजन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं,
जब आपने सिंगल स्लैश के साथ किया तो आपको ये पूरा नंबर मिलेगा, बट आप अगर आप डबल स्लैश के साथ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है ना वो मिलेगा, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद जो भी चीज आ रही है ये उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, आपको जो है वो इंटीजर देगा ये, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप चाहते हैं जी कि हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें, पावर की फॉर्म से मुराद ये है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं 2 raised to power 5 लिखूं, 2 raised to power 5 जो कि हमारे पास कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो अब इसको ना मैं ऐसे लिखूंगा, मैं 2 दफा स्टेरिक लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने है लिखा भी हुआ है। तो अब इसका ये मतलब होगा कि जो 2 है इसकी पावर हमारे पास क्या है 5, समथिंग लाइक दैट, ये हम इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हमें ये 32 मिलेगा, ठीक है। तो ये डबल स्टेरिक होगा तो इसका मतलब है कि ये पावर में लिख, ये हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से जैसे आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं जी, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, लेट्स से मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 10 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब ना इसको आप कैसे निकालते हैं, तो हम इसको कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। अब इसके लिए ना हम ये परसेंटेज का साइन जो है ना वो यूज होता है, परसेंटेज का साइन जब भी आप यूज करें तो इसका मतलब है क्या होगा कि हम जो है वो मॉडुलस वो कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 divided by 3, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये है समथिंग लाइक दैट 10 divided by 3। तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं क्योंकि ये 3 और 3 इट विल बिकम 9, और यहाँ पे हमारे पास ये, तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए हो ना दिस वन, ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड करने से, तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, परसेंटेज का जो साइन है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, यह हमें रिमाइंडर देगा हमेशा। और फिर इसी तरह से अब आप ये काम करते हैं जी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी आप ये चाहते हैं कि आपके पास जैसे यहाँ पे एक नंबर है x = 3, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया x, इसकी वैल्यू 3 है, मैं ये चाहता हूँ कि इस x के अंदर ना मैं कोई नंबर ऐड कर दूं, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं x के अंदर 10 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हमें 13 मिलेगा ना, बट मेरा ये भी आइडिया कि जो हमारा ये वेरिएबल एक्स है ना ये चेंज भी ना हो, ठीक है। तो आप उसका ना ये तरीका है, उसका एक तरीका ये है कि आप इस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे x = x + 10, यानी जो भी आपने ऐड करवाना है वो लिखना है। तो आपने वेरिएबल नेम लिखा, जैसे कि वेरिएबल नेम हमारे पास क्या x है हमारे पास ना वेरिएबल नेम ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन वेरिएबल नेम लिखेंगे, और ये वेरिएबल नेम मैंने लिख दिया, और फिर मैं लिखूंगा =variable + 10, ठीक है, जो मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा, हमें 13 मिलेगा ना, तो हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें ये 13 मिलेगा, बट इसी को ना एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है कि नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, वो ये तरीका है कि आपने x = 3 तो एज इट इज लिखा, बट जस्ट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया, बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दिस वन और ये दोनों जो है ये हमारे पास इक्वल है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आपने वेरिएबल लिखा और प्लस लिखना है और इक्वल, एंड देन जो भी आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप हम 10 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर मैंने एक्स को एक दफा लिखा है, जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो मैंने एक्स को दो दफा लिखा है, तो ये थोड़ी सी ना मेमोरी को बचा देता है, ठीक है। तो वर्क इन दोनों का एक ही है, एक ही काम है, बट ये थोड़ी सी आपकी जो मेमोरी है उसको ये जो है सेव कर लेगा, ठीक है, कम मेमोरी लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी ये अप्लाई कैसे होता है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के, अगर आपके पास कोई मैथ्स के अंदर
एक्सप्रेशन है उसके अंदर डिवीजन भी है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम देखते हैं कि हम पहला कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवीजन को पहले यूज करते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन को पहले यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन ये चेंजेबल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम चूंकि मैथ्स को ना लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जब आप उस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो अगर पहले डिवीजन है लेफ्ट टू राइट जब हम देखते हैं तो आपने पहले डिवीजन का ऑपरेशन लगाना है, बट अगर पहले जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो फिर आप क्या करेंगे, डिवीजन नहीं लगाएंगे बल्कि आप मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है कि आप इसको कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जो है वो एक्स हमारे पास पड़ा हुआ है, एक मिनट में जरा कुछ ओके हाँ ठीक है ओके, तो ये हमारे पास एक एक्स है और इसके अंदर ये 10 है प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, और देन हमारे पास क्या है स्टेरिक ओके, देन हमारे पास स्टेरिक 2 है, यानी हमारे पास एक डिवीजन है जो भी मैं बात बता रहा था आपको, और दूसरी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ओके ओके, तो अब ना हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको ना ये बताता हूँ, आप इसको, आप में से कोई क्या इसको सॉल्व कर सकता है अपने एंड पे, मतलब बाय हैंड कर सकता है इसको? मैं एक और इतने में इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूँ ताकि आपको ना वो चीज क्लियर हो जाए। जी सर, यस, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इफ आई इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि दिस वन 5 ओके एंड और यहां पे हम लिख लेते हैं इसको 5। ठीक है, अब यहां पे देखें मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन को पहले लिखा है और फिर डिवीजन को लिखा है। वी ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो भी लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो अगर डिवीजन पहले आती है तो पहले डिवीजन, और अगर मल्टीप्लिकेशन आती है तो पहले मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसका देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है, थोड़ा सा मैंने उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड इट विल बिकम 10, और फिर 10 को आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, आंसर को तो इट विल गिव अस 2 एंड 2 प्लस 10 इट विल बिकम 12 ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी। जिनका हैंड रेज है क्या उनका कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, मैं भी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम चूंकि इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो ओके अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मूव करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि हमेशा आपके पास ना एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए ना, तब भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक के साथ तो नहीं कर सकते, आपके पास 2 या 3 या 4 चीजें होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास ना कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर के लिए यूज होता है, और अगर ये वाला साइन हो, यानी जो आपके पास वो एरो है ये अगर लेफ्ट साइड पे हो तो ये स्मॉलर होता है, और अगर ये राइट साइड पे हो तो ये ग्रेटर होता है। ठीक है, और फिर एक होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट, दिस वन। ठीक है, दिस वन, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे पाइथन के अंदर इसको ऐसे लिखेंगे, दिस वन एंड देन इक्वल। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली इसके इक्वल होगी, इस चीज के इक्वल। ठीक है, और इसी तरीके से हम लेस देन आर इक्वल, ये वाला जो हमारे पास साइन है, और अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी हो ना तो आप ये चीज लिखते हैं, इक्वल देखना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंगल इक्वल नहीं लिखना है, जैसे हम लिखते हैं ना मैथ में एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपने सिंगल इक्वल नहीं डबल लिखना होता है। ठीक है, और अगर आपने नॉट इक्वल लिखना हो, जैसे ये हमारे पास इक्वल है समथिंग लाइक दैट, ये हमारे पास अगर नॉट
नॉट इक्वल है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल को कुछ इस तरह से आप शो करते हैं, ठीक है। यानी आप लिखेंगे दिस वन और फिर हमारे पास ये चीज होती है, तो ये हमें नॉट इक्वल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हमारे पास इसी तरीके से अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक आपके पास x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अच्छा, ये पहले जो हम हमारे जो सेशन हो चुके हैं उनमें काफी डिटेल से हमने चीजें की हुई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं काफी क्विकली मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम कुछ ना कुछ नई चीज भी आज देख लेना। तो x इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, y इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हम अगर ये करते हैं कि प्रिंट x ग्रेटर देन 5, लेट्स से प्रिंट x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमें फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, ये जो फॉल्स होता है ना, ट्रू या फॉल्स, हम इसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि यानी जो हमें या तो ट्रू देता है या फिर फॉल्स देता है, ऑन ऑफ की तरह, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये किसको क्लास करती है, क्लास बूल या बूलियन क्लास को ना ये रिप्रेजेंट करती है, फॉल्स या ट्रू। अब यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास 7 है, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है ना कि एक्स इज लेस देन वाई। बट मैंने क्या किया है, मैंने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट कि एक्स ग्रेटर देन वाई। तो अगर आप x ग्रेटर देन y करेंगे तो इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि x लेस देन y है, ठीक है। बट अगर मैं ये कर दूं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मैं अगर ये लिख देता हूं कि x लेस देन y, तो अब ना हमें ये ट्रू मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमारे पास एक होता है एंड दिस वन, फिर हमारे पास होता है आर, और फिर हमारे पास होता है Not, ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अच्छा ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने एक ही जगह पे यहाँ पे इसको किया हुआ है। तो अब देखें x इज इक्वल टू 9 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एंड की कंडीशन लगा रहा हूँ, ये एंड की कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि x लेस देन 11, और दूसरी कंडीशन में लिख रहा हूं x लेस देन 10, ठीक है। आप में से को बता सकते हैं क्या ये कंडीशन ठीक है, अगर x 9 है फॉर एग्जांपल, तो क्या ये कंडीशन ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ये लिखा हुआ है, अगर x आपके पास 9 है वेरिएबल, तो आप ये अगर कंडीशन ठीक है, ओके, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब दूसरी कंडीशन है, मैंने आर के लिए लिखा हुआ है आर। अब आर ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा जो एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर के लिए जरूरी क्या होता है कि आपकी आपका जो एंड है ना, ये जो एंड लिखा हुआ है ऑपरेटर, ऑपरेटर से जो लेफ्ट साइड है ना, जैसे एक्स लेस देन 11, ये भी ट्रू होनी चाहिए, और ऑपरेटर से राइट साइड जो है ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो तब आप कह सकते हैं कि तब ये जो आपका एंड ऑपरेटर है, इट विल गिव यू अ ट्रू रिजल्ट, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी गलत है, ठीक है, तो फिर आपका जो ऑपरेट आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ, लेट्स से कि एक तो मैंने ये रख दिया है ना x लेस देन 11, बट अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि x ग्रेटर देन 10, तो x 10 से बड़ा तो नहीं है ना, x तो चूंकि 9 है तो x 10 से बड़ा नहीं है, तो एक भी अगर गलत होगा ना एंड ऑपरेटर में, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। तो इसके लिए दोनों साइड का होना ट्रू होना जरूरी है। फिर इसी तरीके से हमारे पास है आर ऑपरेटर। अब आर ऑपरेटर ना ये थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अब ये आर ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आर से लेफ्ट साइड, जैसे एक्स लेस देन 5 है, और आर से राइट साइड, अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर भी ये ट्रू होगा, और अगर इन दो में से कोई एक ट्रू हो तो फिर भी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट एक का ट्रू होना जरूरी है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें, तो हमें हमें हमने लिखा हुआ पहला कि x less than 5, ठीक है, जबकि x is basically x is equal to 9, it means कि x less than 5 तो ना हुआ ना, फिर ये तो गलत हुई ना स्टेटमेंट। बट दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि x less than 10, तो x अगर 9 है तो इट मीन्स x इज लेस देन 10, तो ये स्टेटमेंट एक हमारे पास जो है वो ट्रू है, तो इट मीन्स कि हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से
मैं यहाँ पे नॉट के लिए ये जरा ज्यादा आसान, मैं इस पे आ जाता हूँ यहाँ पे पहले। अब देखिए नॉट क्या होता है कि नॉट आपके रिजल्ट को चेंज कर देगा। अगर मैं कहता हूं ना एक्स ग्रेटर देन 10, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 10, अब ये जो भी चीज है फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं नॉट लगाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, एक्स लेस देन 10 हो जाएगा, इस तरह से समथिंग, ठीक है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 10 है तो हम यहाँ पे देखें एक्स, चूंकि हमारे पास 9 है, एक्स 9 है हमारे पास, तो आप सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 10 को अगर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। एक्स चूंकि 9 है तो एक्स ग्रेटर देन 10 वाली स्टेटमेंट गलत होगी ना, फॉल्स होगी। बट अगर इसके साथ में ये नॉट ऑपरेटर लगा दूं, ठीक है, तो ये फॉल्स जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास फॉल्स है। अच्छा ये फॉल्स क्यों है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि x लेस देन 5 और x लेस देन 10, तो हमने अलग से इसका देखा है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये चूंकि आर ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कंपाउंड आप कह सकते हैं, आर भी है और इन भी नॉट भी है ना, तो पहले आर है और फिर उसके बाद नॉट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं x लेस देन 5 और x लेस देन 10, तो आर ऑपरेटर है तो हमें एक कंडीशन ट्रू चाहिए एटलीस्ट, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। बट इसके बाहर देखें ना नॉट लगा हुआ है, तो वो ट्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उस फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा ये चीज, ओके अच्छा ये चीज अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी इसको किया नहीं है, ठीक है। ये चूंकि हमने ना वीकेंड पे कुछ चीजें ऐड की थी ना, तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से हमारे पास कंडीशंस है ना, यानी इफ कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी, जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी है, कंडीशंस यानी इफ कंडीशन हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले दिस वन, ठीक है। और अब देखें फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक मैंने टेम्परेचर लिखा है, यानी एक वेरिएबल मैंने बनाया है और उसको मैंने वैल्यू दे दी है 40, ठीक है, वेरिएबल को। और मैं लिख रहा हूँ कि इफ, ये कंडीशन लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, ये मेरी कंडीशन है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या 40 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, और उसके बाद मैंने ये कॉलन डाला है। ये कॉलन क्या करेगा कि जब आप कॉलन डालते हैं और एंटर करेंगे तो आपको ना ये जो स्पेस मिल रही है ना, यहाँ से इसकी वजह से मिलती है, ठीक है। अब आप प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट आप करवाना चाह रहे हैं इट्स अ हॉट डे, चूंकि टेम्परेचर 40 है तो हम कहते हैं कि इट्स अ हॉट डे और इट्स टाइम फॉर ड्रिंक। दो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दो चीजें मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आई वुड गेट इट्स अ हॉट डे, इट्स टाइम फॉर ड्रिंक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर 40 है तो इट मीन्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, ओके। और फिर इसी तरीके से अगर आप ये काम करें कि ओके अच्छी ये चीज मैं अभी अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने इसको पहले नहीं किया था, ठीक है, तो हम इसको ना रीइंफोर्स कर लेंगे बाद में। अच्छा अब ये होता है जी कि फिर सम टाइम ये होता है कि आप ना ये भी कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन होती है एलिफ, यानी जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है ना कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई एक और कंडीशन डालना चाहता हूँ इसी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एलिफ यूज करता हूँ, ठीक है। एलिफ की मदद से आप एक से ज्यादा कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल लिया हुआ है a ग्रेटर देन 2, सॉरी a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है कि इफ a ग्रेटर देन 3, और आगे लिखा हुआ है कि प्रिंट a इज ग्रेटर देन 3, तो हमने ये ग्रेटर करवाना, ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी लगा दी इसी के अंदर, यानी एक ही उसके अंदर आप दूसरी कंडीशन भी लिख रहे हैं, ठीक है, कि a लेस देन 3, तो आप जब दूसरी कंडीशन ऐड करते हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, एलिफ यूज करेंगे, ठीक है। और फिर आप एलिफ लगा के जितनी मर्जी कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको मिलेगा a इज लेस देन 3, ठीक है, जो इसमें से ट्रू होगी ना वो ये कैप्चर करेगा। तो a इज ग्रेटर देन 3, चूंकि a हमारे पास 3 है ना, तो a इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमारे पास ट्रू तो नहीं है ना, a चूंकि इक्वल टू 3 है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है कि a इज लेस देन 3, तो यस इट इज ट्रू, a चूंकि 2 है तो ये लेस देन 3 होगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू 3, तो a इज नॉट इक्वल टू 3, a इज लेस देन 3, तो इनमें से जो ट्रू होगी ना ये उसको कैप्चर करेगा, तो a इज लेस देन 3, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं। अच्छा ये अभी हमने नेस्टेड नहीं हमने की ना, हम इसको मतलब इसी वीक में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने लूप्स को पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होती है और व्हाइल लूप क्या होती है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके बताएं जी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इसको ना प्रिंट करें, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप अलग अलग इनको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये कोई एफिशिएंट वे नहीं है जिससे हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ जी कि मुझे प्रिंट करके दिखाएं 1 से 100 तक, तो ये बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि 1 to 100 आपने प्रिंट 1 लिखा, प्रिंट 2 एंड देन 3 एंड अप टू सो ऑन 100 तक, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। या 1 to 1000 में कहता हूँ और 10,000 कहता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ना एक एफिशिएंट वे है, वो क्या है, वो ये है कि हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आप, मैं जो कि 1 से जो मुझे नंबर्स चाहिए ना, वो 1 to 5 चाहिए मुझे, तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मेरे पास ये जो 1 वैल्यू है इसको मैंने i का नाम दे दिया, यानी ये एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। i हमारे पास एक वेरिएबल है, i इज इक्वल टू 1। अब मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूं और मुझे जो नंबर चाहिए वो 1 to 5 चाहिए, ठीक है। 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी, 4 भी और 5 भी चाहिए। तो मैं इसको ना ऐसे लिखूंगा कि i लेस देन आर इक्वल टू 5। जब आप लेस देन आर इक्वल टू 5 लिखते हैं, उसका मतलब है कि 5 भी मिलेगा और 5 से छोटे भी मिलेंगे, लेकिन कहां तक, 1 तक, 1 से लेकर, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूं, मैं प्रिंट लिखूंगा i, ठीक है। तो यहां पे ना मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाना चाहता हूं कुछ। तो अगर मैं जस्ट इसको प्रिंट करवा देता हूं, लेट से प्रिंट i, तो मुझे ना कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, 1 1 1 1, इनफाइनाइट लूप मिलेगी ये, ठीक है। अब मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि ये सिर्फ i को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। i चूंकि ये 1 टू i जो है, हमने i पे कंडीशन क्या लगाई है कि i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो इट मींस कि ये जितनी मर्जी टाइम i को 1 यानी 1 अगर ये लिखे तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे एक कंडीशन लगाएंगे, हम ये कहेंगे कि हमें जो नंबर चाहिए इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ओके ओके, तो अब हम इसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी i हो ना, उस i के अंदर 1 आना चाहिए, यानी पहले i इज इक्वल टू 1 होगा, फिर जब ये दोबारा i पे जाएगा ना, तो वो i जो है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। हम ये चीज लगा रहे हैं, फिर हमें 3 चाहिए ना, तो उस i2 के अंदर नेक्स्ट 1 ऐड हो जाएगा, तो i3 हो जाएगा, फिर 4 और फिर 5। अब जब मैं इसको लगाऊंगा ना, तो मुझे ये मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये बड़ा आसान हो गया कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं, लेट्स से कि आपको नंबर्स चाहिए 100 से या 50 कर लेते हैं हम, कि आपको 1 to 50 नंबर्स चाहिए ना, तो आप देख लें आप इसको आराम से करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, 1 to 50। बट अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से देखते हैं तो वो काफी मुश्किल होता, ठीक है। सर चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन है, एल्फ एंड एलिफ में क्या डिफरेंस है? ओके ओके, तो अब ना मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें, बेसिकली ये हमारे पास तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है, और ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये पहली कंडीशन है एंड देन एलिफ है, और मतलब ये तीन कंडीशंस आपने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास ट्रू कंडीशन है ये वो दे देगा ना, मैम वुड यू ऐड एनीथिंग? सर मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास जो एल्स स्टेटमेंट की हम लोग बात करें, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम आपकी आवाज क्लियर है। हमारे पास जो एल्स स्टेटमेंट होती है ये एक हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है,
आपके पास कोई स्टेटमेंट ना ना चलेगी तो एल्स स्टेटमेंट हर सूरत में चलनी है, अगर आपके पास ऊपर से कोई स्टेटमेंट नहीं चल रही तो। एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, जो हर सूरत में चलेगी अगर ऊपर से आपकी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही। अगर ऊपर से आपको सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट ट्रू मिल जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो आपकी नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट हर चीज नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपकी ये वाली भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कोई कंडीशन ही रखी गई हुई, अगर ये दोनों फॉल्स हो गई हैं तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट चलनी ही चलनी है। ठीक है, आपको अभी बात की समझ आई है, आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है? हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो होती है ये हर सूरत में अगर ऊपर से कोई भी आपको स्टेटमेंट नहीं मिल रही यानी कंडीशन नहीं आपकी ट्रू हो रही तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट हर सूरत में चलती है, और एल इफ तब चलती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी, एल्स स्टेटमेंट तब चलेगी जब ऊपर से सारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और इलेफ तब भी स्टेटमेंट चलेगी जब आपकी वो वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हाँ जी, अच्छा यहाँ पे ना आप देख, मैम ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा मैम, अगर आप इसको रिमूव करें ड्राइंग को, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखें यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, इफ है, एलिफ है और एल्स है। ठीक है, अब होता ये है कि अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू है ना तो फिर ये नेक्स्ट जो दो कंडीशंस है इनको ये इग्नोर कर देगा ना, तो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, बट अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन को देखेगा। ठीक है, तो अगर वो ट्रू है ना तो वो फिर उसको दे देगा। ठीक है, बट अगर ये होता है कि आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है क्योंकि ए ग्रेटर देन थ्री लिखा हुआ है हमने जबकि ए हमारे पास ट्रू है, और नेक्स्ट कंडीशन एलिफ वाली भी जो है वो भी ट्रू नहीं है, हमने ए लेस देन वन लिखा हुआ है ना, तो फिर जो एल्स है ना, एल्स में जो भी आप लिखेंगे ये आपको वो रिजल्ट देगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन फॉल्स थी, तो अब एल्स के अंदर क्या है कि ए इज इक्वल टू थ्री, तो जबकि ए थ्री के इक्वल तो नहीं है ना, बट ये एफ जो एल्स वाली कंडीशन है फिर ये आपको बाई डिफॉल्ट जो है उसका आंसर देगा ये। ठीक है, तो ये वन बाय वन तमाम कंडीशंस को चेक करेगा, जो कंडीशन ट्रू होती है उसको ये प्रोड्यूस करता है, बट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो तब भी और ट्रू ना हो तब भी ये फिर उसको आउटपुट जो है ना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर पाइथन में हम एल्स की जगह एलिफ यूज करते हैं ना ये? सर जी, एलिफ तो हम करते हैं ना कि जब आप फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करना चाहते हैं, लेट्स से कि मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास इफ है तो आप नेक्स्ट कंडीशन अगर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप एलिफ एलिफ कर वो कर लेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप एल्स यहाँ पे लिखे, एल्स को आप रिमूव भी करके एलिफ के साथ आप तीन चार कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिफ ए लेस देन वन, एलिफ समथिंग एक नई कंडीशन, देन एलिफ एक नई कंडीशन। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि वो ऊपर से नीचे तक जो भी कंडीशन ट्रू होगी ना ये उसको फिर पिक करेगा। जी सर, सर ये दरमियान में से जो होता है कि अगर आपकी सारी कंडीशंस गलत हैं तो फिर ये एल्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी सर, अगर एक से ज्यादा एलिफ यूज करते हैं हम, अगर कंडीशन इनमें से एक भी ट्रू हो जाती है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा सर, वो इधर फिर रन करवा देगा प्रोग्राम को। हाँ हम देख लेते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं, इसी कंडीशन हम बना लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है कंडीशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिफ। ओके, अच्छा आप देखें ए लेस देन वन है तो ये भी गलत है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए कोई कंडीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू टू, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं टू लिख लेता हूँ। ठीक है, और हम इसको ओके ठीक है, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, ए इज ग्रेटर देन, मैं इसको अच्छा ये हमारे पास है ना, ए इज ग्रेटर देन फोर, ये हो गया, ए लेस देन वन, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन वन लिख लेता हूँ। ठीक है,
a is greater than one. Okay, so a is greater than one. Greater than one. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है एलिफ ए ग्रेटर देन वन इंडेंटेशन का मसला है, इंडेंट है सेकंड एलिफ में. ओके हाँ अब देख लें जी, ए इज ग्रेटर देन वन. अब आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मतलब हमारे पास पहली कंडीशन थी ए ग्रेटर देन फोर, जो कि दूसरी कंडीशन हमारे पास ए लेस देन वन, और तीसरी कंडीशन है ए ग्रेटर देन वन. तो अब ना पहली भी ए चूंकि टू है ना, तो पहली भी हमारे पास फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, और तीसरी जो कंडीशन है वो ट्रू है हमारे पास ए ग्रेटर देन वन. तो आप देख लें उसने जो थर्ड कंडीशन है उसको पिक किया है. तो यही था ना आपका क्वेश्चन? जी सर जी यही था. ओके तो अब हम आगे मूव करते हैं. हमारे पास था ओके तो हमने यहाँ पे ये हमने यूज किया था वाइल लूप. तो वाइल लूप का ये होता है कि आप इस तरह से इसको यूज करेंगे तो आपके सारे नंबर्स जनरेट कर देगा. ठीक है हम मूव करते हैं नेक्स्ट. ओके अच्छा अब ना ये काम करते हैं कि अच्छा इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ. ठीक है खैर ये हमने किया हुआ है पहले भी, पहली वाली वीडियो में भी. हम थोड़ा सा इसको जस्ट रिफ्रेश कर रहे हैं, हमारे पास चूंकि टाइम कम है मैं चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा स्टोरी मैं आपको बता दूं. तो आप देखें यहाँ पे ये है कि आपके पास i इज इक्वल टू वन है और आप i ले रहे हैं लेस देन जी जी कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर रिवाइज कर दे मैं न्यू यूजर हूं. ओके 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 अब देखिए आई इज इक्वल टू वन है हमारे पास. ठीक है अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे उसी तरीके से कंडीशन लगाई है जिस तरीके से पहले ली है. ठीक है अब ना यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ. मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि मैं प्रिंट लिख रहा हूँ आई, और आई को ना मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जी के साथ. ठीक है आई को मैं जी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ. अब इसका मतलब क्या होगा और आगे मैंने इंक्रीमेंट क्या लगाया है कि आई के अंदर वन एड हो रहा है यानी प्लस इक्वल टू वन. इसका मतलब होगा कि आई आपके पास पहला वन होगा, फिर नेक्स्ट आई जो होगा वो टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, फिर फाइव अप टू टेन तक. ठीक है बट यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ कि मुझे जो भी आई मिले तो मैं चाह रहा हूँ कि उस आई के साथ ना जी मल्टीप्लाई हो हर आई के साथ. ठीक है तो अब जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. बट यहाँ पे ना एक चीज आपने देखनी है कि यूजली तो ये होता है ना कि जब आई आपने वन किया और वन के साथ जब जी मल्टीप्लाई होगा तो हमें वन जी मिलेगा. ठीक है फिर आपके पास नेक्स्ट आई में एक ऐड हो जाएगा तो आई आपका टू हो जाएगा. ठीक है और जब आप यहाँ पे आप टू आ गया ना तो जब आप टू को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टू जी नहीं मिलेगा बल्कि ये जी जो है ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा जी एंड जी थ्री टू टाइम्स जी हो जाएगा. ठीक है फिर जब थ्री होगा तो ये थ्री जी आ जाएंगे. ठीक है कभी भी आपने ये नहीं कहना कि थ्री जी मतलब जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि अगर थ्री है और एक हमारे पास एक्स है या हमारे पास जी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थ्री एक्स मिलता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि वो एक्स थ्री टाइम लिखा हुआ मिलेगा आपको यानी एक्स एक्स और एक्स. ठीक है इस तरीके से फिर अगर जब आपके पास आई फोर होगा तो जब ये जी मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर आपको जी मिलेंगे और इसी तरीके से टेन तक. ठीक है इस तरीके से हमें जो है वो मिलते हैं. फिर ये एक टेबल है आप इसको देख सकते हैं. अगर हम जी की वैल्यू ऊपर असाइन कर दे देन उसे आई के साथ मल्टीप्लाई करें फिर हमें जी की वैल्यू मिलेगी ना नीचे. सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है आप क्वेश्चन रिपीट कर दें. मैं बोल रहा हूँ मैम अगर हम